सज रही गली मेरी माँ चुनेरी गोठे में 1974 की सुपरहिट फिल्म कुंवारा बाप का ये गीत अगले 15-20 साल तक खूब हिट रहा। तृतीय पंथी समुदाय के लोगों के बीच ये गाना अक्सर गाया जाता है, पर ये गीत को जिस पर फिल्माया गया था वो बूढ़ा कलाकार की पहचान कहीं ना कहीं धुंधली सी पड़ गई। अक्सर सुनने में आता है कि महमूद ने अपने बच्चों को लेकर ये फिल्म बनाई थी, पर ये कोई नहीं कहता कि इस फिल्म में उनके पिताजी मुमताज अली भी दिखाई देते हैं। सज रही गली मेरी माँ इस गीत पर नाचने वाला वो बूढ़ा इंसान महमूद के पिताजी हैं, जो अपने जमाने के मशहूर डांसर भी हुआ करते थे, पर शराब की आदत ने उन्हें बुरे दिन दिखाए और एक जमाना ऐसा भी आया जब बच्चे भी उनसे दूर जाने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। मुमताज अली का खानदान एक जमाने में नवाबों से जुड़ा हुआ था, पर समय के साथ उनका नवाबी थाट कहीं बिछड़ गया और वे दरिद्रता के शिकार हो गए। ऐसे गरीब परिवार में 15 मार्च 1912 के दिन हैदराबाद में उनका जन्म हुआ। पैसों की कमी होने के चलते उनका पूरा परिवार मक्का चले गए। वहां उन्हें अच्छा काम तो मिला नहीं, पर अचानक आए एक आंधी के कारण मुमताज अली के माता पिता मर गए। लगभग पूरा परिवार इस आंधी का शिकार हो गया। 1920 के साल में ये तूफान आया, तब मुमताज अली सिर्फ 9 साल के थे। इस आंधी में मुमताज अली की बड़ी बहन करीमुनिसा के शौहर की भी जान चली गई। उसके बाद करीमुनिसा अपने छोटे भाई मुमताज अली को लेकर मुंबई आ गई, जहां उन्होंने चाल में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। मुमताज अली जिस समय अपने युवावस्था में थे, तब हिंदी फिल्म जगत पूरी तरह से विकसित हो चुका था। उनके आसपास रहने वाले लोग भी फिल्मों में छोटे बड़े किरदार कर लेते थे। यूं समझ लीजिए कि वो बस्ती एक्स्ट्रा आर्टिस्ट लोगों की थी। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मुमताज अली की पढ़ाई ज्यादा हो नहीं पाई। वे आवारा जैसे यहाँ वहाँ भटका करते थे। उन्होंने कई सारी रातें समुद्र तट पर गुजारी, जहाँ मर्जी होती वहाँ चले जाते थे। घर चलाने के लिए दोनों भाई बहन गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास काम भी करते थे, तो इस तरह उनका बचपन बीता। उस जमाने में ऐसे बहुत कम ब्रिटिश थे जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने में अपना अहम योगदान दिया। उनमें से एक का नाम था बेंजामिन हॉर्निमन। वे महात्मा गांधी जैसे प्रसिद्ध लोगों के साथीदार हुआ करते थे। वे बॉम्बे कार्निवल इस अखबार के एडिटर और जर्नलिस्ट भी थे। एक दिन वे गिरगांव चौपाटी में टहल रहे थे, तब 3 बच्चों को खेलते हुए उन्होंने देखा। उनमें मुमताज अली भी थे। उन 3 बच्चों को हॉर्निमन ने गोद ले लिया। उन 3 बच्चों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी और बहुत सारा प्यार भी दिया। धीरे धीरे मुमताज अली को गाने और एक्टिंग का शौक चढ़ने लगा। बहुत कम आयु में उन्होंने अपनी खुद की थिएटर कंपनी भी खोली, जहां वे छोटे बड़े स्टेज शोज आयोजित करते थे। वे किसी को ये नहीं बताते थे कि उन्हें एक्टिंग के अलावा डांस भी आता है, क्योंकि वे डांस और सिंगिंग के बजाय एक्टिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहते थे। बेंजामिन हॉर्निमन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुमताज अली को रोका नहीं, प्रोत्साहित करते हुए उनकी पहचान हिमांशु रॉय से करवाई। उस वक्त हिमांशु रॉय ने कुछ साल पहले बॉम्बे टॉकीज इस प्रसिद्ध फिल्म कंपनी का निर्माण कर लिया था। हिमांशु रॉय भी मुमताज अली से मिलकर खुश हुए। बॉम्बे टॉकीज के लिए उन्हें ऐसा ही कोरियोग्राफर, सिंगर और साइड एक्टर चाहिए था, तो इस तरह प्रति महीना 75 रुपये के करार के साथ मुमताज अली को पहली बार काम मिल गया। अपने शुरुआती दौर में मुमताज अली ने सिर्फ हिमांशु रॉय के लिए काम किया। उनके टीम में अशोक कुमार, शशधर मुखर्जी और राय बहादुर चुन्नीलाल जैसे लोग भी शामिल थे। मुमताज अली के फिल्मोग्राफी पर नजर डाली जाए तो पता चलेगा कि उन्होंने सबसे पहले जन्मभूमि इस फिल्म में अभिनय किया था। अशोक कुमार और देविका रानी की सुपरहिट फिल्म निर्मला में वे कोरियोग्राफर थे। उस वक्त
कोरियोग्राफर को डांस मास्टर या डांस डायरेक्टर कहा जाता था। उस जमाने के काफ़ी फिल्मों में मुमताज़ अली का क्रेडिट डांस मास्टर के रूप में मिल जाएगा। उससे भी पहले 1935 में जवानी की हवा फिल्म आई थी, जिसमें उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट में काम किया था। अछूत कन्या जैसी सुपरहिट फिल्म में भी वे दिखाई देते हैं। देविका रानी और हिमांशु रॉय को मुमताज अली पर पूरा भरोसा था, इसलिए बॉम्बे टॉकीज की सभी फिल्मों में मुमताज अली का नाम जरूर दिखता है। इज्जत, जीवन प्रभात, प्रेम कहानी, आजाद और झूला जैसी सुपरहिट फिल्मों का वो हिस्सा रह चुके हैं। 1940 की झूला फिल्म का ये गीत मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया बाबूजी बड़ा हिट हुआ था, जिसमें खुद मुमताज अली दिखते हैं। इसके अलावा नई नवेली चली अकेली ये गीत भी बड़ा हिट हुआ। इन दो गीत के वजह से उन्हें थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिली। मुमताज अली का नाम 1950 तक प्रसिद्ध रहा। लगभग सभी फिल्मकार उन्हें अपने फिल्मों में काम देते थे। उन्हें अपने जिंदगी का पहला झटका तब लगा जब हिमांशु रॉय गुजर गए। उनके देहांत के बाद बॉम्बे स्टूडियो इस फिल्म कंपनी की ओनरशिप मिलाने के लिए खूब सारे लोगों ने कोशिश की। अंततः देविका रानी ने बॉम्बे स्टूडियो को किसी दूसरे इंसान के हाथ लगने नहीं दिया, क्योंकि वे हिमांशु रॉय की पत्नी भी थी। इस बीच कंपनी के लिए काम करने वाले लोगों पर बुरा असर पड़ा और वे काम छोड़कर जाने लगे। शशधर मुखर्जी और अशोक कुमार ने अपनी खुद की कंपनी बना ली, जिसे आज फिल्मिस्तान कहा जाता है। बॉम्बे स्टूडियो के सितारे मिटने लगे तब भी मुमताज अली ने साथ छोड़ा नहीं, पर तब तक वे बॉम्बे स्टूडियो के अलावा दूसरी कंपनी के लिए भी काम करने लगे थे। मुमताज अली की प्रसिद्धि का आलम ये रहा कि वे शराबी बन गए। सेट पर शराब के नशे में आना उन पर महंगा पड़ा, इसलिए उन्हें बड़े फिल्मकार अपनी फिल्मों में जगह देने से कतराने लगे। इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ने लगी। 1945 के बाद उन्होंने अपने सभी बच्चों को लेकर मुमताज अली नाइट्स इस स्टेज कंपनी का गठन भी कर लिया था। वे लेकर अलग अलग शहर जाकर शोज आयोजित करने लगे, जिसमें उनके बच्चे एक्टिंग करते थे। फिल्में मिलना बंद हुआ तब मुमताज अली ने ज्यादा शराब पीना शुरू किया। वे इस कदर तक शराबी बन गए कि उनकी बीवी लतीफ़ुन्निसा अपने सारे बच्चों को लेकर अलग रहने लगी। जब लतीफ़ुन्निसा को पैसे की कमी होने लगी तो उन्होंने मुमताज अली नाइट्स इस थिएटर ग्रुप को फिर से चलाना शुरू किया। इस बार बेटा महमूद और छोटी बेटी मीनू मुमताज ने लतीफ़ुन्निसा को खूब साथ दिया। पर इससे भी परेशानी दूर नहीं हुई। मुमताज अली शराब के नशे में पूरा शो बर्बाद कर देते थे, कभी कभी टिकट के पैसे लेकर भाग जाते थे। इन हरकतों के कारण मुमताज अली का जीवन बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। मुमताज अली के परिवार को आर्थिक परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए छोटी बेटी मीनू मुमताज ने खूब संघर्ष किया। मीनू मुमताज के संघर्ष के कारण महमूद ढीले पड़ गए और वे भी पिताजी की तरह आवारागिरी करने लगे। अफसोस की बात ये थी कि मुमताज अली के सुपरस्टार बेटे महमूद बचपन में शरारती थे, इसलिए उनके परिवार ने उन्हें भारत व्यास का ड्राइवर बना दिया। भारत व्यास अपने जमाने के साहित्यकार और लेखक थे। दूसरे नंबर के बेटे महमूद सुपरस्टार कॉमेडियन एक्टर बन गए, तब जाकर मुमताज अली का सुनहरा दौर शुरू हुआ। तब तक मुमताज अली बूढ़े भी हो चुके थे। इस बार सौभाग्य से उनके रिश्ते भी सुधर गए। मुमताज अली के परिवार में सबसे बड़ा योगदान मीनू मुमताज का है, जिन पर हमने अलग से वीडियो भी बनाई थी। अगर वे नहीं होती तो शायद ही महमूद सुपरस्टार बन पाते। मुमताज अली की आखिरी फिल्म का जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में कर दिया था। वे बुरे इंसान तो बिल्कुल नहीं थे, पर शराब के नशे में उनका नाम खूब बदनाम हुआ। तो ऐसे थे सुपरस्टार कॉमेडियन महमूद के पिताजी। 6 मई 1974 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल
बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।